मुंगेर में असामायिक तत्वों ने मां दलित बस्ती के सामुदायिक भवन में लगाई आग। आग में भवन का सारा सामान जलकर हुआ राख। यहां तक कि एक दिन पूर्व झंडा तोलन के बाद सम्मान के साथ अलमीरा में रखा झंडा को भी जलाने से बाज नहीं आई असामायिक तत्व। इस सामुदायिक भवन में मां दलित टोले के बच्चे करते थे पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी। SDO ने दिए जांच के आदेश। दरअसल मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुलुकटांड दास टोला के वार्ड नंबर 7 में अवस्थित सामुदायिक भवन में बीती देर रात असामायिक तत्वों ने आग लगा दी। इस आग में सामुदायिक भवन में रखे टेबल, बेंच, अलमीरा में रखे किताब और अन्य सामान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को भी असामायिक तत्वों ने नहीं बख्शा और सभी को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार दास टोला के इस सामुदायिक भवन में स्थानीय युवा अपने भविष्य के निर्माण को लेकर पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर ग्रुप स्टडी करते थे और उसी को लेकर काफ़ी मात्रा में प्रतियोगिता परीक्षा की किताबों को जमा कर एक अलमीरा में रखा गया था। स्थानीय युवा बादल बताते हैं कि गांव में जगह की कमी के कारण सभी 10 से 12 लड़के यहां एक साथ पढ़ाई किया करते हैं। इसको लेकर काफ़ी संख्या में यहां बुक खरीद कर रखा गया था, पर बीती देर रात जब युवा खाना खाने घर गए थे तो किसी असामायिक तत्वों के द्वारा अलमीरा से किताब, झंडा और कुर्सी टेबल एक जगह कर उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया। जब खाना खा के वापस आए तो देखा सामुदायिक भवन के अंदर आग धधक रहा था, जिसके बाद हल्ला कर ग्रामीणों को बुलाया गया और फिर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। साथ ही बताया कि अब वह कहां पढ़ने जाएंगे यह समझ में नहीं आ रहा है। वहीं इसको लेकर स्थानीय थाना और SDO को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद सभी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आगजनी में करीब 50,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई है। एक चौकी था, 5 कुर्सी था, 2 टेबल था, 2 ब्रेंच था और कम से कम यहाँ पे नहीं कुछ तो 15,000 से ऊपर का बुक्स था, जिसमें कि UPSC का बुक था, जनरल कंपटीशन का बुक था, ग्रुप डी वगैरह का बुक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप डी का एग्जाम अभी आज से स्टार्ट ही हुआ है, जिसमें कि सारे लोग का तैयारी था और वो लोग नोट्स पढ़ रहे थे नोट्स, और अभी सबसे मेनली नोट्स का इम्पोर्टेंट था जो कि जला दिया गया। और अभी सबका एग्जाम का सबसे ज्यादा प्रेशर, अभी सब डिप्रेशन में है। यहाँ पे देखते हैं राष्ट्र ध्वज को भी जी, वो भी इस गोदरेज में था जो कि आग में इसका भी अपमान किया गया है, इसको भी जलाया गया है। ये है मुलुकटांड दास टोला सामुदायिक भवन खैरा रोड पानी टंकी, इसके पीछे कुछ उपद्रवियों ही हो सकते हैं जिसका कि हम लोग को ज्ञात नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सोनू कुमार। सर 10 बजे हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, 10:30 बजे के बाद, उसके बाद खाना खा के आए वापस तो देखे कि पूरा गोदरेज वगैरह में माचिस मार के आग लगा दिया गया है। यहाँ पर टेबल कुर्सी सारा एक जगह रख के और कुछ बुक निकाल के सामने यहाँ पे रख के पूरा जला दिया गया एकदम, पूरा पेट्रोल छिड़क के। तो हम लोग पूरा फिर अपने ग्रामीण लोग को फिर बुलाए कि देखिए आग लग गया, आग लग गया। तो सब लोग आए, सब मिल के फिर बुझाए। आपको कितना? 7 साल से लगभग 12 लड़का कंटिन्यू रहते हैं और बाकी बाहर से। 12 लड़का हम लोग यहाँ का है लोकल, उसका 10-12 और बाहर से आता है पानी के लिए रेगुलर क्यूज चलता है हम लोग का। हाँ दिए थे, सुबह कॉल गए थे हम लोग तो प्रशासन बोले कि हम आएंगे 10 बजे। अभी तक आपका क्या नाम हुआ? बादल कुमार।